हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीनू आर्ट एकेडमी। और आज का DIY है मिरर की फ्रेमिंग, जो कि हम अपने घर में डेकोरेशन के लिए भी कर सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। और सबसे पहले मैंने ये अमेज़ोन से कुछ वॉल आर्ट मंगाया था, जो कि ये एक तरीके का स्टिकर है जिसको आप वॉल पे भी लगा सकते हैं और आप इसे प्लाई पे भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसको फ्रेमिंग की तरह, मिरर फ्रेमिंग की तरह बनाने का सोचा और मैंने एक प्लाई के ऊपर इसको डेकोरेट करने के लिए पहले इसका एक साइज़ ले लिया और फिर इसको स्टिकर की तरह इस पर चिपकाएंगे। इस स्टिकर में पीछे एक पेपर होता है जिसे इस स्टिकर को चिपकाने के लिए निकालने के बाद इसको हम चिपका सकते हैं। इस तरीके से इसको हम निकाल देंगे और ये आसानी से स्टिक हो जाएगा इस प्लाई के ऊपर। इस तरीके से मैंने कुछ इस तरीके का शेप लिया है, डायमेंशन वाला। अगर आप चाहें तो इसे बीच में भी स्टिक कर सकते हैं। आप बड़ा प्लाई भी ले सकते हैं और चाहे तो आप इसे राउंड शेप में भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा छोड़कर और साइड कॉर्नर छोड़कर यूज़ किया है, क्योंकि मैं कुछ इस पर आर्टवर्क करना चाहती हूँ। तो मैंने क्ले और मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है। तो हम हार्डनर और क्ले दोनों को मिलाकर एक क्ले बनाएंगे और फिर उसको फेविकॉल लगाकर रोल कर लिया है। और फिर अब इसको फेविकॉल लगाकर इसके साइड कॉर्नर पर हम इसको स्टिक करेंगे, जिससे कि इसमें नीटनेस आ जाए और ये बहुत ही और ज़्यादा खूबसूरत लुक देने लगे। इस तरीके से हमने इसमें स्टिक कर दिया है। स्टिकर के ऊपर एक ऊपर से भी कवर अप है, वो हम लास्ट में उसको कवर निकालेंगे, क्योंकि फिर वो मिरर जो है ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब हम सारा वर्क कर लेंगे उसके बाद में हम इसका स्टिकर निकालेंगे। तो मैं क्राफ्ट पेपर का यूज़ कर रही हूँ डेकोरेशन करने के लिए। और ये क्राफ्ट पेपर के यूज़ से ये थोड़ा सा फास्ट बन जाएगा, जल्दी जल्दी बन जाएगा हमारा फ्रेम। तो आप चाहें तो यहाँ पर आप पेंटिंग भी कर सकते हैं, कुछ अच्छा प्रिंट भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ न्यू करती हूँ, तो मैंने क्राफ्ट पेपर ले आई थी जो काफ़ी इजी वे में और बहुत ही सस्ता मिल जाता है। तो और कुछ न्यू लुक आए, इसलिए मैं इस क्राफ्ट पेपर का यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से मैंने पेपर कट कर लिया है और इसको बहुत ही सिंपल वे में चिपका रही हूँ फेविकॉल से नॉर्मल। उसके बाद में मैं इसको थोड़ा सा लुक देने के लिए इस पर हल्का सा ब्रश आउटलाइनिंग करूँगी। और इस तरीके से पेपर और मिरर के बीच में इसको मैंने थिक कर दिया है, मोल्डेड क्ले को थोड़ा सा हल्का सा पुश कर दिया है, जिससे कि ये इन दोनों के बीच में थिक हो जाए। ये देखिए, और इसके साइड पे भी हम इसको स्टिक करेंगे, जिससे कि ये और ज़्यादा खूबसूरत सा लुक आए और लगे भी ना कि इसे अलग से चिपकाया है। इस तरीके से हम इसे चिपका देंगे तो ये और नीट एंड क्लीन लगेगा और एक फ़ोटो फ्रेम की तरह इसमें लुक आएगा। आप चाहें तो एक फ़ोटो फ्रेम भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ मिरर फ्रेमिंग की तरह इसको बना रही हूँ। और आप इसमें कुछ भी न्यू क्रिएशन कर सकते हैं, तो आप कुछ और भी इसमें नया कुछ कर सकते हैं। आप मिरर की जगह फ़ोटो का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने मिरर का यूज़ किया है। और आप और मैं इसे अमेज़ोन से मैंने परचेज़ किया है, तो ये काफ़ी मुझे ऑफ़र में, काफ़ी सस्ते ऑफ़र में मिल गया था। और इस
इसके 6 पीस आए थे जो कि मैं अलग अलग वे में यूज़ करने वाली हूँ। तो जिसमें से एक पीस का मैं मिरर फ्रेमिंग बना रही हूँ और ये बहुत ही इजी है, तो आप लोग भी इसको बना सकते हैं। ये स्टिकर को थिक चिपका कर और जिस तरीके से मैं पेपर का यूज़ कर रही हूँ, क्राफ्ट पेपर का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो कुछ अच्छी सी पेंटिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा बड़ा फ्रेम भी आप बना सकते हैं। और मैंने इसको अपने इंस्टाग्राम के स्टोर के लिए बनाया है, तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोर को क्रिएटिव हार्ट्स पर। और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी अपने इंस्टाग्राम का, और ये जो मिरर लिया है उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप भी इसे परचेस कर सकते हैं। अब मैंने इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब मैं सोच रही हूँ उसको कुछ और अच्छा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए मैंने छोटी छोटी सी बटरफ्लाई बनाई है जो कि फ्लावर के ऊपर बैठी हुई हैं। कुछ इस तरीके से क्ले का यूज़ करके मैं 3D स्टाइल में बटरफ्लाई बना रही हूँ। इसे फ़ोटो फ्रेम को कोई भी बना सकता है, बड़ा या छोटा, बड़ा जो भी कोई भी बना सकता है, और इसे बनाकर आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप 1 से 2 घंटे के बीच में ही इस फ्रेमिंग को बना सकते हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं। और जब आप अपने हाथों से बना हुआ गिफ्ट देते हैं तो आपको भी बहुत खुशी होगी और जिसको देंगे उसे भी बहुत खुशी होगी। और अभी फेस्टिवल सीज़न आ गया है तो आप खुद भी इसे डेकोरेशन की तरह बना सकते हैं और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा अगर जब आप अपने घर को अपने हाथों से कुछ नया नया बनाकर डेकोरेट करेंगे तो। और ये मेरे सारे ट्यूटोरियल जो भी हैं वो बहुत इजी होते हैं जिससे आप कुछ नया बना सकते हैं और सीख सकते हैं। और इन 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 सब चीज़ों में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो भी बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम होता है, सस्ते प्रोडक्ट होते हैं। मैं अधिकतर एक्रिलिक कलर का ही यूज़ करती हूँ जो काफ़ी टाइम तक चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लंबे टाइम तक रहते हैं ये कलर। इस तरीके से मैंने बटरफ्लाई बना ली है, ये देखिए। अब मैं इसमें कलर शेड दे रही हूँ, तो मैं इसमें रेड एंड ब्लैक का शेड दे दूँगी जो थोड़ा सा यूनिक सा लुक दे। और इसको थोड़ा मैंने स्मॉल वाले ब्रश से कर रही हूँ कि इसके स्ट्रोक्स मिरर पर और बाहर साइड में ना आए और नीट एंड क्लीन दिखे हमारा फ्रेम। इस तरीके से मैं इसमें कलर कर रही हूँ रेड कलर के बाद में मैं इसमें ब्लैक कलर का यूज़ करूँगी, ये देखिए। कलर के साथ में मैं इस पर ब्लैक का शेड लगा रही हूँ। अगर ये मिरर पे हल्का सा भी ब्रश स्ट्रोक जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसकी जो इसके ऊपर कवर अप है उसे निकाल देंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हट जाएगा और अच्छा क्लीन दिखने लगेगा। इस तरीके से मैं इसमें पैटर्न डाल रही हूँ, थोड़ा सा न्यू लुक आए, फ्रेम जैसा लुक आए, ऐसा लगे नहीं कि हमने इसको हैंडमेड किया है। और ये काफ़ी खूबसूरत सा लुक आ रहा है स्ट्रोक्स के साथ में, ये देखिए। और वाइट ब्लैक एंड रेड के शेड में ब्राउनिश सा लुक आ रहा है। तो आप भी कुछ इस तरीके से फ्रेम बनाएं या मिरर का फ्रेम बनाएं या कुछ अच्छी सी पेंटिंग बनाएं और अपने घर को डेकोरेट करें, बहुत ही खूबसूरत लुक देने वाला है। दिवाली पर आप ज़रूर कुछ नया नया DIY करिए। और मेरी पिछली जो और भी वीडियोस हैं उसमें भी बहुत अच्छे यूनिक सा पैटर्न है, तो आप उनमें से भी
उन्हें भी देखिए और कुछ नया बनाइए, और बनाकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपने कुछ नया क्रिएशन किया है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं और मेरे यूट्यूब के कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपने भी कुछ नया बनाया है, ऐसा नया क्रिएशन किया है। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों ने मुझे देखकर मुझसे कुछ नया सीखा और कुछ बनाया। तो इस तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं और कुछ नया बना सकते हैं। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियोस, तो आप ज़रूर मुझे लाइक शेयर करिए और मेरे सारे वीडियोस को शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस आपको तुरंत ही मिल जाएं, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो और देखिए इस तरीके से मैंने बटरफ्लाई में भी कलर कर दिया है, आप जो भी चाहें वो कलर कर सकते हैं। मैंने रेड कलर किया है क्योंकि जो रेड कलर काफ़ी उठकर दिख रहा है और 3D लुक दे रहा है। ये देखिए इसमें मुझे मिनिमम टू हॉर्स लगे हैं, मतलब 2 घंटे मुझे इसमें लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये देखिए कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया है, और ये मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोर के लिए बनाया है। तो आप ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम स्टोर को विज़िट करिए, और अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने और भी बहुत सारी पेंटिंग बनाई है जो कि आप सीख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। ये देखिए तरीके से बटरफ्लाई में मैंने कलर कर लिया है, और अच्छा और खूबसूरत लुक देने के लिए मैंने बटरफ्लाई पे डॉट बना दिए हैं जो कि 3D लुक दे और बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे। ये देखिए हमारा यूनिक सा DIY मिरर बनकर तैयार हो गया है। DIY मिरर फ्रेमिंग बनके तैयार हो गई है, जो बहुत ही यूनिक लुक दे रही है। 3D बटरफ्लाई और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इस तरीके से आप अपने रूम को, लिविंग रूम को डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे तो गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत ही इजी बन
इजी वे में बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, मिरर फ्रेम बन के तैयार हो गया है। अब हम इस पर चढ़ी हुई जो कवर है अब हम उसे निकाल देंगे और ये हमारा मिरर नीट और क्लीन बनकर बहुत ही खूबसूरत सा यूनिक DIY बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, आप इसे अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हैं और अपने फेस अपने मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं छोटू सा, और चाहे तो इसे गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये देखिए कितना यूनिक लुक दे रहा है, बहुत ही ऑसम और खूबसूरत सा मिरर बनकर तैयार हो गया है बहुत ही कम समय में। तो आप भी ज़रूर बनाइए और अपने घर को सजाइए या फिर अपने दोस्तों को गिफ्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, और ज़रूर ज़रूर बनाइएगा आप कुछ नया सा क्रिएशन, कुछ नया फ्रेमिंग बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लिएगा और मेरे सारे वीडियोस को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। जो भी वीडियो आपको पसंद आते हैं आप प्लीज़ उन्हें और लोगों को भी शेयर कर दीजिए, जो कि आप के साथ साथ उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। और ये देखिए कितना यूनिक हमारा फ्रेम तैयार हो गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप अभी तो मैंने इसे हैंग किया नहीं है, ओनली डेस्क पे रखा है, आप इसे हैंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर शेयर करिएगा बनाकर ऐसी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पर। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।